शहर के कोविड केयर सेंटर में शुक्रवार को एक मरीज की हालत बिगड़ने से आहत परिजनों का गुस्सा डॉक्टरों और कर्मचारियों सहित प्रशासन के आला अधिकारियों पर फूटा, जिसके बाद घटना से आहत कोविड केयर मैनेजर ने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लेते हुए इस विषय को शनिवार को आयोजित पत्रकार परिषद में जानकारी दी। दिग्रस शहर में आए दिनों बढ़ रहे कोरोना संक्रमण मामलों के मद्देनजर जिलाधिकारी के आदेश के बाद आगामी 28 जुलाई तक दिग्रस शहर कर्फ्यू की जद में है। ऐसे में शुक्रवार को शहर के कोविड केयर सेंटर में शामिल एक मरीज की हालत बिगड़ने से मरीज के परिजन और कोविड केयर के मैनेजर डॉक्टर अभय गोविंदवार सहित स्थानीय नगर परिषद मुख्याधिकारी, तहसीलदार आदि प्रशासन के आला अधिकारियों के समक्ष खूब कहा सुनी हुई। सूत्रों के अनुसार दिल की बीमारी से त्रस्त मरीज के परिजन कोविड केयर में की जा रही देखभाल और उपलब्ध वैद्यकीय सेवा से नाखुश थे। वे मरीजों को यवतमाल रेफर करने या फिर घर में ही क्वारंटाइन करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में जब शनिवार को मरीज की हालत बिगड़ी, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा कोविड केयर के प्रभारियों पर फूट पड़ा। इस दौरान नगर परिषद के मुख्याधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को भी मरीज के परिजनों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। जैसे तैसे मरीज को यवतमाल भेजा गया, जहां ICU में उन्हें दाखिल किया गया है। इस बीच इस घटना से आहत कोविड केयर के मैनेजर डॉक्टर अभय गोविंदवार ने अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लेते हुए इस संबंध में आयोजित पत्रकार परिषद में जानकारी दी। नमस्कार, मी डॉक्टर अभय गोविंदवार, वैद्यकीय अधिकारी ग्रामर रुग्णालय दिग्रस। मी आपल्यापुढे सांगू इच्छितो की जे माझ्याकडे जो चार्ज होता कोविड केअर सेंटरचे व्यवस्थापक पद, ते मी आज दिनांक 25 जुलै रोजी मी हा या पदावरून मी आमचे जे माननीय अध्यक्ष सचिव तालुकास्तरीय कोविड नियंत्रण समिती यांच्याकडे आज मी दिला आहे। आणि यानुसार मी एक राजीनाम्याचं कारण म्हणजे काल दिनांक 24 तारीख दुपारी 3 वाजता जे काही कोविड सेंटरमध्ये घटना घडली, याच्यामध्ये काही रुग्ण ज्या रुग्णांनी काहीतरी शिवेगाळ करणे आणि अपमानास बोलणे याच्याबद्दल मला थोडंसं खंत झाली आहे। आणि लोकांचे मला असं वाटत आहे की काही लोकांचे व्यवस्थित मला म्हणजे लोकांकडून वागणूकसुद्धा मिळत नाही, याच्यामध्ये बरेच लोकांचे म्हणजे भेदभावसुद्धा असं एक प्रकारचं वाटायला लागलं असं वाटत आहे मला। यामुळे मी या पदाचा मी राजीनामा देत आहे। आणि तसेच म्हणजे अध्यक्ष सचिव तालुकास्तरीय कोविड समिती यांच्याकडून मला आत्तापर्यंत सहकार्य मिळालंच आहे, त्यांचं याच्याबद्दल मला कोणतीही म्हणजे माझ्यावर असं प्रेशर नाही। उलट त्यांना मी सांगितलं याबद्दल, तर त्यांनी मला सांगितलं की तुम्ही राजीनामा देऊ नका आणि आम्ही जे काही घडलं त्याच्यावर आम्ही कडक कारवाई करू। गौरतलब है कि दिग्रस से करीब ईसापुर ग्राम से सटे कोविड केयर से सौम्य बुखार के लिए एक वैद्यकीय सुविधा और उपचार उपलब्ध कराए जाते हैं, जबकि मध्यम बुखार के लिए दारवा और उच्च स्तर के कोविड 19 के बुखार के लिए यवतमाल कोविड केयर तथा गवर्नमेंट अस्पताल में सुविधाएं दी जा रही है। ऐसे में विभिन्न बीमारियों से पहले ही ग्रसित मरीजों के लिए दिग्रस कोविड केयर में उपलब्ध सुविधा और उपचार अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। उपरोक्त घटना में कोविड केयर के मैनेजर ने उनके साथ गाली गलौज किए जाने का भी आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ कोविड केयर में उपलब्ध सुविधा और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी से और बड़े पैमाने पर परिसर सील किए जाने को लेकर लोगों में दबे होठों शिकायत भी बढ़ने लगी है। मालूम हो कि इससे पहले भी विभिन्न कंटेनमेंट जोन के नागरिकों द्वारा पर्याप्त सुविधाएं नहीं दिए जाने से प्रशासन के विरोध में नारेबाजी का प्रदर्शन किया गया था। ऐसे में वर्तमान कोविड केयर मैनेजर डॉक्टर अभय गोविंदवार के इस्तीफे से लोगों के टूटे संयम से बिगड़े हालात और कोविड केयर अपर्याप्त उपचार सुविधाओं की किल्लत खुल के सामने आ गई है। देखना होगा कि अब स्थानीय प्रशासन लोगों के दिलों में बढ़ते खौफ और नाराजगी को दूर करने में कोविड केयर से लेकर कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त सुविधाओं को पूरा करने के लिए किस तरह का रुख अपनाते हैं। इन बीच न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।